हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना बस। और आज गुजरात में हमारा सेकंड डे है। आज हम जा रहे हैं घूमने, रेडी मैं हो चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं अपने होटल में ही। और आज हम जा रहे हैं रन उत्सव देखने के लिए। तो आइए आप भी मेरे साथ चलिए, आपको मैं दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। तो आइए चलते हैं। और ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना। पैकिंग हमारी सारी हो चुकी है, लगेज नीचे जा चुका है गाड़ी में, बस हम नीचे जा रहे हैं अभी। ठीक है गाइस, गाइस हम रूम से नीचे आ चुके हैं, लगेज भी हमारा आ गया है। ये देखिए लगेज हमारा ऊपर रखा हुआ, अभी गाड़ी बाहर निकल रही है हमारी। और ये इस वक्त हम भुज में हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। सामने ही भुज स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। ये देखिए सामने भुज का स्टेशन है, हम पास में ही रुके थे। अच्छा होटल है, आपको मैं होटल का नाम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये हमारी गाड़ी इधर खड़ी है, तो आपको मिलते हैं रन में, रन उत्सव गुजरात। देखिए गाइस, यहाँ पे मैग्नेटिक गेट्स है, अगर आप गाड़ी बंद भी कर देंगे तो भी आपकी गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी। ये देखिए हमारी गाड़ी बंद है, देखो पीछे चल रही है अपने आप ही। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पावर, यहाँ पर मैग्नेटिक पावर है। देखिए गाड़ी बंद है और अपने आप पीछे जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने आप ही गाड़ी चल रही है। ये देखिए यहाँ पे सभी इस दृश्य का मज़े ले रहे हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए गाड़ी पूरी पीछे जा रही है, बहुत ही सुंदर। अगर आप काला डूंगर आए गाइस तो ये ज़रूर आप एक्सपीरियंस करना। बिना गाड़ी ऑन किए गाड़ी अपने आप पीछे की तरफ जा रही है, मैग्नेट पावर है इस एरिया में पूरे में। आपको दिखा दूं मैं, मैग्नेट फील आती है यहाँ पे गाइस। हम ब्लैक हिल्स आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं। देखिए मेरे पीछे अभी हम व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं, बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। आपको इधर दुकानें भी दिखा दूँ, मेरे पीछे दिख रही होंगी। यहाँ पे गुजराती पोशाक वगैरह मिल रही है। काला डूंगर इस जगह को कहते हैं, यहाँ के जो पत्थरों में मैग्नेट पावर का असर पाया गया है। गाइस थोड़ा चलना पड़ेगा ऊंचाई पे, है ये पॉइंट। मेरी तो सांस फूल गई है। कैमल राइड भी होती है, देखिए कैमल आ रहा है। सारी गुजराती सामानों की शॉप है यहाँ पे, चादरें, लहंगे, पर्स। ये देखिए, ये आपको पॉइंट पे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ वहाँ से क्या दिखता है। तो तेज है, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ से व्यू पॉइंट कितनी दूर है। वो देखिए हमें वहाँ पे जाना है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखेगा आपको कच्छ का एरिया। गुजराती संगीत सुनिए, ये पगड़ियाँ बांधते हैं, 20 रुपये लेते हैं किराया। बस गाइस कुछ सीढ़ियाँ हो रहा है और हम अपने पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं। इस जगह हम आए हुए हैं गाइस, देखिए गाइस ये है काला डूंगर पॉइंट्स। और ये आप जितना भी वाइट देख रहे हैं ना, ये सारा समुद्र नमक है। बहुत ही सुंदर पॉइंट है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे चलते, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा।
और इधर से इधर बॉर्डर भी इधर ही है। देखिए कितना सुंदर व्यू है। काफी हिल पे आके है। और काफी अच्छा यहाँ सभी लोग अपना अपना व्यू लेने में लगे हैं। अगर आपको यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखना है तो दूरबीन का किराया 10 रुपये है, आप देख सकते हैं, या आप अपनी खुद की भी लेके आ सकते हैं दूरबीन जो है देखने के लिए। लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा है गाइस, अगर आप एक बार आएँ गुजरात तो ज़रूर यहाँ पे आएँ काला डूंगर। गाइस अब हम काला डूंगर से निकल के रन के लिए जा रहे हैं, तो अब आपको मैं मिलती हूँ रन में। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस आप ये मंदिर देख रहे हैं, दत्ता जी का मंदिर है यहाँ पे, सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। तो आप काला डूंगर आएँ तो आप इस मंदिर में भी ज़रूर आना। थैंक यू गाइस। ये हम रन पहुँच चुके हैं, अभी हम रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए रुके हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस हमारा खाना आ चुका है, लंच करने के लिए हम रन पहुँच चुके हैं। ये हमने कढ़ाई पनीर मंगाया है, सैलेड है, रोटी है। ये आपको मैं दिखा दूँ, रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो आइए हम भी लंच करते हैं, आप भी अपना लंच एंजॉय करिए। अभी दाल और अभी हमारी आ रही है। गाइस यहाँ पे जो है रन में अंदर जाने की टिकट मिलती है 100 रुपये पर पर्सन, तो आप लोग भी यहाँ देख लीजिए। हैं भर दिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। अभी आपको यहाँ सारे में टेंट ही टेंट लगे हुए हैं, आपको आगे चल के दिखाती हूँ मैं और भी टेंट। अगर आप आएँ तो बुकिंग करा के आएँ, वैसे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा, कम से कम 10,000 12,000। और रश काफ़ी है। काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है गाइस यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। चलिए हम भी आगे चलते हैं अपने वाइट डेजर्ट पे। अब हम रन में अंदर जा रहे हैं, ये गेट है रन उत्सव में अंदर जाने का। यहाँ से हम ऊँट गाड़ी पे बैठ के अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे डेजर्ट सफारी। आइए चलते हैं और देखते हैं। वो आगे को वाइट दिख रहा है उधर सामने, दूर से दिख रहा है वाइट वाइट वाइट। ये सब ऊँट गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं अंदर ले जाने के लिए। कहते हैं पहले तो यहाँ पे गाड़ी जाया करती थी, अब अलाउड नहीं करते, अब हमें इन्हीं ऊँट गाड़ियों पर बैठ के अंदर जाना पड़ेगा। गेट से लगभग 4 किलोमीटर अंदर। तो आइए चलते हैं और देखते हैं रन कच्छ उत्सव। यहाँ का सबसे महंगा टेंट है, इसके अंदर स्टार्टिंग रेंट 25,000 रुपये से। देखिए गाइस इसके अंदर जो है सब टेंट वगैरह लगे हुए हैं, ये है टेंट सिटी। तो काफी पब्लिक आ रही है। चलो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं, और आपको यहाँ की मार्केट भी घुमाते हैं। देखिए इधर पैरा ग्लाइडिंग भी होती है।
गाइस हम अंदर पहुंच चुके हैं, कम से कम 2.5-3 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा आपको आपको चलिए दिखाती हूँ आपको। दूर दूर तक सिर्फ वाइट रण है, मतलब कि नमक का समुंदर। सब ऊंट गाड़ियाँ अंदर लाने के लिए ये 1,000 रुपये लेते हैं एक गाड़ी के। आपको बाहर मेन गेट से अंदर लेके आएंगे और अंदर पूरा रन घुमाएंगे। खाने पीने की भी यहाँ पे है और ये देखिए ऊपर आप चढ़ के व्यू का मज़ा ले सकते हैं। पूरा टावर बना हुआ है यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए। बैठना है अभी तो बैठ जाते चलते। देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है, समुंदर है ये वाइट। गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको सिर्फ नमक का ही समुंदर नज़र आएगा, बिल्कुल दूर दूर तक, और कुछ नहीं है यहाँ पे। और बिल्कुल और आगे जाने के बाद समुंदर शुरू हो जाएगा। 4 महीने तक यहाँ पे नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी तक यहाँ पे ये नमक ही नमक आता रहता है और इकट्ठा होता रहता है। और यहाँ पे रण उत्सव होता है और संक्रांत पे यहाँ पे पतंगें उड़ाई जाती हैं। तो और आप आइए यहाँ पे, आगे डांस वगैरह होते हैं, हॉर्स राइडिंग है, पैराग्लाइडिंग है, सब कुछ होती है यहाँ पे। अच्छी जगह है, एक बार आप ज़रूर आइए गुजरात में, बहुत ही सुंदर लगेगा आपको। देखिए मेरी तरफ पीछे, और टूरिस्ट भी काफ़ी इधर आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ चारों तरफ घूम के। चारों तरफ सिर्फ नमक ही नमक है और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप जो है आप बर्फ़ पे हैं, लेकिन बर्फ़ नहीं है गाइस, ये नमक है। इस समय मैं खड़ी हूँ रन में, तो आपको मिलती हूँ अभी आगे। और देखने की कोई जगह होती है तो दिखाती हूँ, तो आइए चलते हैं गाइस। यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, छोटी छोटी मार्केटें बना रखी हैं, आपको सब चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे रन में। पूरा स्टॉल है, आप देख सकते हैं। आ जाओ आगे तक, चले देखो क्या खाना है क्या नहीं खाना। चाय के साथ ही कुछ ले लेंगे ना, बोले चाय दूध कॉफी। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की भी चीज़ें मिलती हैं गाइस, देखिए ये सब गुजराती डिज़ाइंस, गुजराती कपड़ा। और ये देखिए घर सजाने का सामान है जो ये सब बाज़ार आपको रन में लगे हुए मिलेंगे। खाने पीने के स्टॉल और ये सब गुजराती कपड़े बैग। सभी चीज़ों की स्टॉल लगी हुई है, देखिए स्कर्ट सूट। जयपुर के सूट है देख सकते हैं आप, बंदेल के सूट है सब, ये लक्कड़ का सामान है। लेडीज जूतियाँ तो एक बार आप आ सकते हैं जरूर यहाँ पे। कच्छ, कच्छ रन बोलते हैं इसको गाइस। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, अब मैं आपको अपने थर्ड ब्लॉग में मिलूँगी, यानी कि कल। देखते हैं कल हम कहाँ पे जा रहे हैं गुजरात में। और आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये सब रन में लगा हुआ मेला है।
ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सपना वर्क्स ब्लॉग।